सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अक्सर आपने वाईफाई अलायंस सर्टिफिकेट के बारे में सुना होगा और अपने जो स्मार्टफोन के बॉक्स है उसके ऊपर भी आपको वाईफाई अलायंस का एक लोगो देखने को मिल जाएगा। तो असल में ये वाईफाई अलायंस होता क्या है, हमारे लिए किस तरह से ये यूजफुल है, आज के इस वीडियो में अपन डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में जितनी भी कार्स हैं उनमें जो ड्राइविंग सीट है वो हमेशा राइट साइड में क्यों होती है, लेफ्ट साइड में क्यों नहीं होती है? दोस्तों, इसके पीछे का कारण है इंडिया के कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स जिसको सभी मैन्युफैक्चर को फॉलो करना होता है, और इसी कारण से इंडिया में जितनी भी कार्स हैं उनमें आपको जो ड्राइविंग सीट है वो हमेशा राइट साइड में देखने को मिलती है। उसी प्रकार जो अपने होम अप्लाइंसेस है, अपने स्मार्टफोन्स है, कंप्यूटर्स हैं, उनके लिए भी कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको इंटरनेशनल कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं। इसी कारण चाहे अपने स्मार्टफोन्स हैं वो चाहे अलग अलग ब्रांड्स के हो, अलग अलग कंट्रीज में बने हुए हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। हम बड़ी आसानी से उनमें फाइल शेयरिंग कर पाते हैं क्योंकि ये उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर वाईफाई अलायंस का क्या रोल है इसमें? दोस्तों, वाईफाई अलायंस असल में एक ऐसी संस्था है जो इन डिवाइसेस को चेक करती है, इनको टेस्ट करती है कि क्या ये स्मार्टफोन्स है, ये कंप्यूटर्स है, या जो अप्लायंसेस है ये उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, क्या उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये उनके अकॉर्डिंग होते हैं, रूल को सभी को फॉलो करते हैं, तभी इन डिवाइसेस को वाईफाई अलायंस का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर मान लीजिए किसी संस्था को या अपने किसी ब्रांड को अपने स्मार्टफोन या अपने किसी प्रोडक्ट के लिए वाईफाई अलायंस का सर्टिफिकेट लेना है, तो सबसे पहले उसे वाईफाई अलायंस की मेंबरशिप लेनी होगी। उसके बाद में जब भी वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो उससे पहले उसने अपने उस प्रोडक्ट को वाईफाई अलायंस को देना होगा टेस्ट करने के लिए, और वाईफाई अलायंस अपने लेबोरेटरीज के अंदर उस प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा कि क्या ये सभी उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, क्या ये यूज़र्स को बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। अगर टेस्ट में वो डिवाइस पास हो जाता है तभी उसे वाईफाई अलायंस का सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर, बॉक्स के ऊपर कहीं ना कहीं वाईफाई अलायंस का एक लोगो देखने को मिल जाएगा। तो वाईफाई अलायंस आपको ये बताता है, जो लोगो आपके डिवाइस के ऊपर बना हुआ वो ये आपको बताता है कि आपका जो डिवाइस है, चाहे वो आपका टेलीविज़न हो, आपका चाहे कोई अप्लायंसेस हो, आपका चाहे स्मार्टफोन हो, वो आपको बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने दोस्तों। वाला इसके है। अलावा जो ये वाईफाई सर्टिफिकेट है वो आपको कुछ ही डिवाइसेस के साथ में मिलता है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, अप्लायंसेस, टेलीविज़न, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, अपने नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके साथ में आपको वाईफाई लेंस का सर्टिफिकेट देखने को मिल सकता है। हालांकि सभी ब्रांड्स आपको वाईफाई लेंस के साथ में प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, कुछ ही ब्रांड्स हैं जो आपको बताना चाहते हैं कि हमने ये टेस्टिंग अपने डिवाइसेस के लिए कंप्लीट करवाई है, वो आपको बताते हैं अपने डिवाइसेस के ऊपर कहीं पे एक छोटा सा लोगो देकर वाईफाई लेंस का। तो कौन कौन से जो ब्रांड्स हैं वो आपको वाईफाई लेंस के साथ में अपने डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं, उसकी लिस्ट का एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं वो वाईफाई लेंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करें तो देखें कि क्या वो वाईफाई लेंस सर्टिफिकेट के साथ में है या नहीं है। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपको आगे भी और कोई वीडियो देखनी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक फेसबुक पेज भी है जहाँ पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियोज़ मिलती रहेगी, जानकारियाँ मिलती रहेगी।